हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है आपका जो मेन पॉली हाउस और नेट हाउस में कुकुम्बर की फसल में जो मेन बीमारी आती है वो है वाइट फ्लाई की। अब उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें या उसकी रोकथाम कैसे करें, आज इस वीडियो में मैं आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में ही कन्फर्म करूँगा। तो देखिए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस लीफ के ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा है, देखिए अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, जी ये वाइट फ्लाई है, देखिए ये उड़ गया यहाँ से। तो ये हमें बहुत केयरफुली इसको चेक करना पड़ता है। ये कई बार लीफ के नीचे होता है और कई बार लीफ के ऊपर भी रहता है जैसे ये। तो ये जो है ये सबसे घातक बीमारी है पॉली हाउस या नेट हाउस में कुकुम्बर की फसल के लिए। तो इसको अब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें रेगुलर अपने फील्ड में फार्म पे रेगुलर विज़िट करना पड़ता है और कोशिश होती है कि हर एक पौधे को ध्यान से देखा जाए कि कहाँ पे किस तरह का इशू आ रहा है। इसमें एक दो बीमारी और आती है जैसे रेड माइट है, वो भी आपको लीफ के नीचे ही मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल इस फार्म में वो बीमारी नहीं है क्योंकि उसके लिए हमने पहले से ही प्रिकॉशंस वगैरह जैसे जो स्प्रे वगैरह है वो कर रहे हैं रेगुलर पे। बाकी वाइट फ्लाई का इसमें कहीं कहीं पे है प्रकोप। अब उसकी रोकथाम के लिए जो मेडिसिन वगैरह जो हमें स्प्रे करना है या क्या करना है उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।